हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप जानते हैं COVID-19 कितना भयानक रूप धारण कर चुका है, इसलिए आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें, किंतु आपकी पढ़ाई भी बाधित ना हो, इसलिए मैं गुंजन शर्मा आपके लिए ऑनलाइन पाठ लेकर आई हूँ। समर्पण एक कविता है जिसके कवि का नाम है राम अवतार त्यागी। हिंदी कविता के ओजस्वी कवि राम अवतार त्यागी का जन्म मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाओं में मानवीय संवेदनाओं का गहरा चित्रण देखने को मिलता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं आठवां स्वर, नया खून, मैं दिल्ली हूँ, गीत सप्तक, गुलाब और बबूल वन आदि। त्यागी जी का निधन 12 अप्रैल 1985 को हो गया था। कविता का नाम है समर्पण। समर्पण का अर्थ है नौछावर करना, त्याग कर देना, अपना सर्वस्व समर्पण कर देना। समर्पण किसके प्रति? मातृभूमि के प्रति। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी देशवासी का जो सबसे प्रथम कर्तव्य है वो अपने देश के प्रति होता है। तो यहाँ पर कवि भारत माता से प्रार्थना करते हुए अपना तन मन धन उस पर नौछावर करने की बात कहते हैं। आइए उत्साह, उमंग, त्याग और समर्पण की भावना से ओतप्रोत यह कविता पढ़े। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूँ। कवि कहते हैं, मातृभूमि से प्रार्थना करते हुए कहते हैं यह कि हे मेरी मातृभूमि, मेरा मन आपको समर्पित और मेरा यह तन भी आपको समर्पित, यानी मैं अपना तन और मन आपको समर्पित करना चाहता हूँ, आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ। और यह जीवन समर्पित और मेरा यह जो संपूर्ण जीवन है यह भी आपको समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। और कवि कहते हैं कि इसके अलावा भी है मेरी मातृभूमि, है मेरे देश की धरती, मैं यह चाहता हूँ कि आपको कुछ और भी दूँ, जो भी मेरे पास है मैं सब कुछ आप पर न्यौछावर करने की इच्छा रखता हूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, ऋण का अर्थ है कर्ज और अकिंचन का अर्थ है गरीब। तो कभी-कभार कहते हैं कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, माँ का ऋण बहुत है, कर्ज बहुत है मुझ पर। माँ का कर्ज तो होता ही है, चाहे वो मातृभूमि हो अथवा आपकी माँ हो जिसने आपको जन्म दिया है। तो कभी कहते हैं कि माँ का ऋण मुझ पर बहुत है किंतु मैं उसके चुका नहीं पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं तो बहुत अकिंचन हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं माँ को देने के लिए, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। किंतु हे मेरी मातृभूमि, मैं यह आपसे निवेदन कर रहा हूँ। क्या निवेदन कर रहे हैं कविवर? थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। कि थाल में लाऊं सजाकर भाल, के यहाँ दो अर्थ हैं। भाल का अर्थ एक होता है भाला, भाला एक शस्त्र है जो फेंक कर चलाया जाता है, और भाल का दूसरा अर्थ है शीश, मस्तक। तो कवि कहते हैं कि जब भी, यहाँ भाल से तात्पर्य है मस्तक, कि मैं थाली में जब भी सजाकर अपना शीश लाऊं, अपना भाल लाऊं, अपना माथा लाऊं, कटाकर मैं अपना शीश आपको समर्पित करना चाहूं, तब हे मेरी मातृभूमि कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण, तब कृपया करके मेरा यह समर्पण आप स्वीकार कर लेना। मान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कवि कहते हैं कि मेरा गान, क्योंकि कवि हैं तो अपनी कविताएं रचते रहते हैं, गीतों का सृजन करते रहते हैं। तो कवि कहते हैं कि मेरा गान, मेरे गीत, मेरी कविताएं आप पर समर्पित हैं, अर्पित हैं, प्राण अर्पित और मेरे जो प्राण हैं वो समर्पित हैं आपको, रक्त का कण कण समर्पित और मेरे रक्त का एक एक कण, एक एक बूंद आपको समर्पित करता हूँ, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कि हे मेरी मातृभूमि, मैं यह चाहता हूँ कि तुझे कुछ और भी दूँ। मांझ दो तलवार को लाओ ना देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। क्या आशा है इस बात का? क्योंकि युद्ध पर जाने से पहले जो अपने शस्त्र हैं उनको धार दी जाती है, उनको पैना करा जाता है, उनकी परीक्षा ली जाती है कि ये जो शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, ये अच्छे से पहने हैं या नहीं, शत्रु का विनाश करने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो कवि माँ से कहता है, भारत माता से कहता है कि मांझ दो तलवार को, मेरी जो तलवार है उसको मांझ दो, पैनी कर दो, लाओ ना देरी,
देरी मत लगाओ माँ इस काम में, मेरी तलवार को धार दे दो, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, और मेरी कमर पर ढाल बांध दो कसकर ढाल। आप जानते हैं युद्ध में जब पुराने ज़माने में, अब तो एक नई तरीके की टेक्निक्स युद्ध की हो गई हैं, लेकिन पुराने समय में जब तलवार और घोड़ों पर बैठकर योद्धा जाया करते थे तो ढाल लेकर साथ में चला करते थे, ताकि एक हाथ से वार कर सके तलवार का और दूसरे हाथ में ढाल होती थी जिससे शत्रु के वार का बचाव कर सके। तो वो ढाल कवि अपनी कमर पर बांधने के लिए आह्वान कर रहा है माता से कि मेरी कमर पर कसकर ढाल बांध दो, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, और मेरे भाल पर मेरे मस्तक पर अपने चरण की धूल थोड़ी मल दो, यानी अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करो, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कवि कह रहा है कि मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करो, ताकि मैं युद्ध भूमि में शत्रु को पछाड़ कर, शत्रु को परास्त करके आपका जो शीश है वो गौरव से भर सकूं। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहते हैं कि स्वप्न अर्पित, मेरे जो जीवन के सारे स्वप्न हैं वो मैं आपको अर्पित करता हूँ। प्रश्न अर्पित, और जो प्रश्न है मेरे जीवन में, मेरी जो जिज्ञासाएं हैं, जो प्रश्न हैं, वो सब आप पर समर्पित करता हूँ। आयु का क्षण क्षण समर्पित, और मैं अपने जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल आपको समर्पित करता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूँ, और इसके अलावा भी है मेरी मातृभूमि, मैं ये चाहता हूँ कि तुझे कुछ और भी दूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, कि मेरे जो मोह के बंधन है मेरे परिवार से, मेरे परिजन से, मेरे मित्रों से, मैं वो सारे मोह के बंधन तोड़ देता हूँ और आपके चरणों में अपनी सेवाएं आपको समर्पित करता हूँ। और इन बंधनों को तोड़ने के लिए मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि व्यक्ति का एक जो धर्म है वो अपने परिवार का पालन पोषण करना, उसकी रक्षा करना भी है। तो कवि इन बंधनों को तोड़ने के लिए माता से क्षमा मांगता है कि मुझे क्षमा दो। गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, और कवि अपने गांव, अपने द्वार, अपने घर आंगन सबसे क्षमा मांगता है, कि कहते हैं कि मेरे गांव, मेरे द्वार, घर आंगन सब मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मैं सबको छोड़कर मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो, और मेरे सीधे हाथ में तलवार दे दो। तलवार जो कवि ने अभी मांझने का माँ से आह्वान किया था कि मेरी तलवार मांझ दो, वही तलवार सीधे हाथ में देने के लिए कवि कह रहे हैं कि मेरे सीधे हाथ में तलवार को दे दो, जिससे मैं शत्रुओं का विध्वंस कर सकूं, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो, और मुझे ध्वज, ध्वज यानी झंडा, राष्ट्रीय ध्वज, आपका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, तो कवि ध्वज को हाथ में देने के लिए कह रहे हैं कि ताकि मैं शत्रुओं का विध्वंस करके अपने ध्वज को फहरा सकूं, इसका गौरव बढ़ा सकूं, इसका मान बढ़ा सकूं। सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कवि कहता है कि मेरे सारे सुमन, यानी अपने प्राण रूपी सुमन मैं आपको अर्पित करता हूँ। सुमन यानी पुष्प, मैं सुमन आपको अर्पित करता हूँ। चमन अर्पित, और मेरा जो जीवन रूपी बागीचा है वो आपको अर्पित करता हूँ। नीड़ का तृण तृण समर्पित, नीड़ यानी घोंसला, नेस्ट, और मेरे घोंसले का तृण तृण, तिनका तिनका आपको समर्पित करता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूँ, और हे मेरी मातृभूमि, मैं यह चाहता हूँ कि इसके अलावा भी आपको कुछ और न्योछावर करूँ, आप पर कुछ और समर्पित कर दूँ। तो यह थी कविता समर्पण। रामावतार त्यागी जी इसके कवि हैं। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।